आपका आज वीडियो में स्वागत है। और काफी टाइम के बाद हम लोग दिखने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो कि मौसम का फेवरेट टॉपिक है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन टाइटल हम फिर भी पूछेंगे मौसम से। टाइटल है मोस्ट लग्जूरियस तेजस एक्सप्रेस राजधानी, यानी कि एक्सप्रेस है फर्स्ट क्लास कूप जर्नी मुंबई टू न्यू दिल्ली। ये इसे सेकंड टाइम ये टेक ली है कि भाई मेरे से पहले से ही बोला नहीं गया और फिर इसने गलती कर दिया। और मजे की बात ये बताती हूँ कि इसने जो ब्लेम है ना वो एक यहाँ पर छोटे से कीड़े को किया कि इसे मैं डिस्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन खैर उसमें भी वो कहते हैं ना कर्मा है वापस से ट्रैवल करने वाला हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ मुंबई टू दिल्ली। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल आया था, फिर उसके बाद आकर मैंने होटल ले लिया और फिर होटल जाते जाते रात का 10 बज गया था, तो ज़्यादा कुछ मैं बाहर का सूट नहीं कर पाया। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे मेरा ट्रेन है, मतलब आज शाम को 5 बजे मेरा ट्रेन है और अभी कितना 2 बज रहा है। तो वही अभी मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन के लाउंज में हूँ। ऊपर में आपको ऐसा रिक्लाइनर टाइप का सीट मिलता है और एक नीचे भी है जहाँ पे आपको अच्छा बस सीटिंग वाला सिस्टम मिलता है, जहाँ पे आपको वो सीटिंग स्पेस मिलता है जहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से, वो भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नीचे भीड़ था इसलिए हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए और ऊपर से हम लोग को बहुत सारा डिवाइस वगैरह भी चार्ज करना था। बाकी जो मेरा ट्रेन है वो तेजस एक्सप्रेस है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली, शाम के 5 बजे मेरा ट्रेन है। वैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी कितना 2 बज रहा है ना, हम लोगों ने इसको 5 बजे तक लिया है तो उसके लिए 500 रुपया लगा है दो लोगों का। तो हाँ आपको ऐसा एक पीछे चार्जिंग पॉइंट भी है, वॉशरूम भी अलग से बना हुआ है वहाँ पे। और दूसरा ये बात है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफी का भी ऑप्शन है जो कि हम लोगों ने बोला है कि आप आधे घंटे बाद ही देना, तो हाँ अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। फिलहाल अभी रेस्ट करते हैं, फिर आपको ट्रेन नंबर किस में मैंने अपना सीट बुक किया है कितने में बुक किया है सब कुछ बताऊंगा वीडियो में बने। हाँ जी, तो यहाँ पे आए हुए लगभग हमें आधा घंटा से ऊपर हो गया है और यहाँ चल रहा था मेरा एडिटिंग। तो ये अभी देख लो हम लोग अपना कॉफी ले लिए और हाँ ये पानी नहीं मिला है, पानी एक देना चाहिए। तो यही है अभी अपना कॉफी पीते हैं, एडिटिंग भी कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं ट्रेन में कैसा टाइम मिलेगा एडिट करने का नहीं मिलेगा, इसलिए एडिट वेडिट करके थोड़ा सा फ्री हो जाता है। हाँ जी, तो हम लोग यहीं पे वेट कर रहे थे एसी वेटिंग हॉल में और अभी हम लोग निकल गए। अभी टाइम हो रहा है 4:33, 4:30 ऑलरेडी बज चुका है, 3 नंबर पे हमारा ट्रेन आने वाला है। तो जाते हैं 3 नंबर। हमारा जो कोच है P7 है, 3rd AC में मैंने टिकट बुक किया है। एक्चुअली मुझे इसका 1st AC दिखाना था लेकिन टिकट मिला नहीं। ये मुंबई राजधानी, ये भाई हमेशा हम लोग कल भी आए थे ना आप हमारे साथ, कल भी चेक इन हुआ, आज भी हुआ। तो अभी हाँ पीछे वापस से हमारा चेक इन हुआ और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कोच के पास। कैमरा अंदर रखते हैं, कैमरा से थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो जा रहा हूँ मैं, इसलिए कैमरा भी अंदर रखते हैं। दो भाई मिल गए, इधर ये तो साथ में जाएंगे दिल्ली। चलो एक्चुअली मैं पीछे टीटी साहब से उनसे बात कर रहा था अगर 1st AC का कुछ जुगाड़ हो जाता। 70 and 72 ये जब से हम लोग मुंबई आए हैं जितने बार स्टेशन आए भाई उतने बार हमें ड्रॉप करने लेने आ जाता है, मिलेंगे। थैंक यू सो मच भाई। अभी तो सीट के लिए क्या ही सड़ हुआ, ट्रेन पूरा पैक है, हमारा लगेज इतना बड़ा बड़ा है, अब ध्यान रखना होगा इतना बड़ा लगेज लेकर ना आना मतलब मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा लगेज दिक्कत होता है। वैसे इसका यहाँ से मुंबई सेंट्रल से 5 बजे का डिपार्चर टाइम है। जय माता दी, जय माता दी। 5:01 में ट्रेन हमारा निकल चुका है मुंबई सेंट्रल से। बाकी ये मेरा लक है, हमेशा जब भी बैठता हूं आगे जाकर सब पता नहीं क्यों गंदा विंडो हर बार मिलता है, जितना दिखेगा मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। वैसे देख लो ये मुंबई सेंट्रल से 5 बजे निकला है, तो पहला स्टॉप आएगा लगभग 5:30 बजे बोरीवली के बाद डायरेक्टली ये रुकेगा 7:43 में सूरत, फिर ये 9 बजे के लगभग रुकेगा वडोदरा जंक्शन, उसके बाद नेक्स्ट डे रात के 12:30 बजे ये रुकेगा रतलाम जंक्शन। मतलब जो कल वाला रूट था ना हमारा वडोदरा वाला लाइन जो अहमदाबाद से हम लोग आ रहे हैं, सेम लाइन है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये जो वडोदरा से इसका लाइन कट हो जाता है अहमदाबाद नहीं जाके, देखो ये रतलाम वाला लाइन पकड़ लिया। 1 बजे पहुंचेगा ये नगड़ा जंक्शन, नगड़ा या नागड़ा जंक्शन, सुबह के 3:15 में आएगा जंक्शन, उसके बाद कोई स्टॉप नहीं है डायरेक्टली न्यू दिल्ली 8:30 बजे। देखते हैं कितना टाइम पे पहुंचाता है या फिर कितने मिनट लेट होता है, जैसा होगा वो तो आपको पता चलेगा। ये जर्नी में मजा आएगा देखना, बोर नहीं हो गए भैया, जोश में रहते हैं।
चलो अभी ट्रेन जस्ट निकला है तो मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो ये जो वॉशरूम है इंडियन स्टाइल वॉशरूम में मैं आया हूँ अभी, और वॉशरूम में ठीक है मैं बोलूंगा। अभी ट्रेन बहुत स्पीड चल रहा है, तेजस के हिसाब से वैसे और साफ सुथरा होना चाहिए था। इधर वैसे क्लीन है, टैप में पानी भी है, अच्छा लिक्विड भी है, चलो ये सब कुछ तो ठीक है। और ये जो है बेबी प्रोटेक्शन सीट है, अगर आपके साथ कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है जिसको आप अकेले छोड़ के नहीं जा सकते वॉशरूम, उसको भी वॉशरूम की तरह बच्चों का सीट है ये बेबी प्रोटेक्शन सीट। अपने साथ आप बच्चे को लेकर आ सकते हो, यहाँ बैठा दो फिर आपको जो करना है करो अपना। ये लाइट थोड़ा कम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, अदरवाइज ठीक है। अगर इतना ही क्लीन अगर पूरे जर्नी तक रहे, एंड तक रहे, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तब यही बोलते लोकल एसी। यहाँ से तो खैर मैं आपको क्या ही दिखाऊं, लेकिन उस साइड जो नजारा देख रहे हैं आप इधर, मतलब ज्यादा नहीं यार, अभी मुंबई से हम लोग कितना 30-40 किलोमीटर दूर होंगे, इतना खूबसूरत है यार बाहर, बट हमारा सीट उधर नहीं है, मेन गेट पे भी नहीं जा सकते, गेट ऑटोमेटिक वाला है ना, बहुत अफसोस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं गाइस, देख लो नहीं दिखा पाया आपको, कभी फ्लाई करके जाऊंगा तो दिखा दूंगा। पहला स्टॉप इसका निकल गया बोरीवली, जो कि टाइम पे ही आया था शायद, पता नहीं मैं टाइम चेक नहीं करता उस टाइम। अभी बनेगा अपना चाय, बढ़िया वाला चाय। पापा इधर दूध पैक करा कर लेकर आ गए थे, कहाँ से लाए थे? पंजाब डायरी से, एकदम मुंबई सेंट्रल के आसपास ही होगा ये। अपना स्नैक्स भी आ गया, क्या क्या दिया अंकल जी? ये देख लो यहाँ पे, अपने वाला तो मैंने ऊपर रखवाया है अभी, एक बीकाजी का भेलपुरी है, मिक्सचर है हल्दीराम का, साथ में एक मैंगो जूस है, सोन पापड़ी है, इसके अंदर समोसा या फिर कुछ होगा। ये अपना कॉफी भी रेडी है, थैंक यू पापा इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त था। और हमारे रशियन भाई कहाँ चले गए? रशियन भाई पूछा है उसको, चला चीयर्स। तेजस राजधानी में खुद का बनाया हुआ चाय। लोगों ने अपना अपना खा लिया, हम लोग एकदम लास्ट में खा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या है, बस अपना स्नैक्स एंजॉय करते हैं, कुछ अगर बढ़िया रहता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। काकोना मतलब गुड। हाउ वाज द फूड? काकानो गुड, से हेलो टू माय व्यूअर्स। हेलो 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 पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी रशियन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। रशियन ट्रिप सुन, रशिया वगैरह का फोटो सब दिखा रहा है, एक्चुअली ये साइबेरियस है, जा रहा है मनाली यहाँ से। देख लो भाई अभी जो हमारा ट्रेन है ना, लगभग अभी 138 kmph हो गया, और ये 130 चल ही रहा है। और अभी हम लोग देख लो सूरत से कितना दूर है, 45 किलोमीटर दूर है सूरत से। वैसे तो ट्रेन हमारा 40 भाई साहब देख लो 140 की स्पीड से चल रहा है अभी हमारा ट्रेन। और ये देखते ही देखते अपना डिनर भी आ गया, वेज आ चुका है, नॉन वेज आना अभी बाकी है, जब दोनों आ जाता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग तो खाना खाते खाते इतना लेट हो जाता है। नवीन जी खाना कैसा है? अच्छा इंडियन ट्रेन की मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मैक से भी पता चला काफी गुड मिल जाते हैं। तो खाना का फीडबैक तो सभी से काफी अच्छा आ रहा है कि खाना काफी अच्छा है, देखकर भी बढ़िया लग रहा है खाना। और हम पहुंच चुके हैं सूरत, जो कि यहाँ से कुछ देख नहीं रहे। तो ये अपना आज का डिनर, सूरत से अपना ट्रेन निकल चुका है, ये अपना खाना देख लो, ये अपना पनीर सेम है, बस चिकन एंड पनीर का फर्क है, ऊपर से इतना फर्क है कि ग्रेवी तो दोनों का सेम ही लग रहा है, सेम ही है। बाकी चलो एक काम करते हैं, टेस्ट करने के बाद बता देंगे कि कौन सा बढ़िया लगा ज्यादा अच्छा। भाई देख लो ये अपना डिनर है, और मैं बता रहा हूँ अभी तक खाया हुआ है, ये वन ऑफ द बेस्ट डिनर है, एकदम फर्स्ट एसी वाला खाना का फील आ रहा है ना, पूरा एकदम फर्स्ट एसी वाला खाना का फील आ रहा है। और थर्ड एसी में ये थर्ड एसी है ना, बहुत एसी में खाना क्या होगा, वही मैं सोच रहा हूँ। खाना नो डाउट बहुत अच्छा है, पनीर भी इनका कमाल का लग रहा है, चिकन है कैसा? चिकन बहुत सॉफ्ट है, बढ़िया ना, बाकी खाना सभी को डिनर कम्प्लीट हुआ और मिल चुका है हमें यह आइसक्रीम वैनिला। अपना आइसक्रीम अभी इंजॉय करते हैं। वडोदरा आने में टाइम है क्या? एक घंटा। वडोदरा में हम लोग चले जाएंगे फर्स्ट एसी में। ये अपना कोच चेंज हो गया वडोदरा में, प्राइवेट रूम में स्वागत है। हाँ जी, तो अभी अपना हो गया कोच चेंज। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एसी थ्री टायर के लिए मैंने कितना पे किया था। उसके लिए मैंने पे किया था 6,205 रुपए, वही समझ लो पर पर्सन 3,100 रुपए करके पड़ा। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे फर्स्ट एसी में। अभी खाना भी पूछने के लिए आए थे, बट हमारा खाना तो हो गया, दोबारा खाने के लिए जगह भी नहीं बचा है, लेकिन खाना बहुत बढ़िया था थ्री टायर का भी। वैसे हाँ ब्रेकफास्ट दिखा देंगे आपको फर्स्ट एसी का, शायद ऐसा फर्स्ट
टाइम हो रहा है क्या? थ्री टायर में भी रहा, फर्स्ट एसी में भी आ गया। वीडियो में बने रहो, आपको बताएंगे। अभी तो रात हो गया है तो ज्यादा कुछ बाहर दिखेगा नहीं। चलो जी, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ अंदर का इंटीरियर। और एक चीज देखो, जब हम लोग थर्ड एसी में थे तो वहाँ का ये ब्लैंकेट देखो और इसका ब्लैंकेट देखो, पूरा कवर के साथ पूरा होटल वाला फील मिल रहा है। और पिलो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट एसी का एक सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? खास करके अगर आपको कूपे मिलता है तो आप लॉक करके सो सकते हो। अगर आप दो लोग हो, मान लो जैसे कि कपल है, हस्बैंड वाइफ है, सबसे बेस्ट रहेगा। इससे अच्छा प्राइवेसी हमको लगता है कहीं पे है। आप अपना सामान रखो, कोई चीज का टेंशन नहीं कि क्या होगा, सामान कोई लेगा या नहीं लेगा। ये यहाँ पे लॉक करो, ये ऊपर से लॉक करो, बस सो जाओ आराम से। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात देखो, नीचे में कारपेट बिछा हुआ है तो ये भी काफी अच्छा लगता है। दो दो फ्रेम है, एक बड़ा सा मिरर इधर है, एक मिरर उधर है। और ये तो मैंने कितने बार दिखाया हुआ आपको। एक यहाँ पे बेल का सिस्टम मिलता है जहाँ से आप बुला सकते हो किसी भी स्टाफ को। बाकी तो ये दो ही सीट है, ऊपर एक नीचे। और कर्टन कुछ आपको ऐसा मिलता है, देखो कुछ ऐसा कर्टन मिलता है, ठीक है। और हाँ, अभी हम लोग अपने साथ दूध लेकर आए थे तो उसको गर्म करवा दिए। और ये तो टेबल मिलता है, ये फर्स्ट एसी में आपको ही पता है। यहाँ पे बनेगा अपना मस्त चाय, दूध भी हम लोगों ने गर्म करवा लिया है। अच्छा हाँ, कॉफी अभी मस्त अपना कॉफी बनाकर पीते है। नहीं नहीं, हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं, ऐसे हल्का हल्का ही बनो। कप वगैरह भी हम लोगों ने मंगा लिया है, देख लो। देख लो भाई, कितने दिन बाद ये सब चीज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कितना मिस कर रहा था इस गैलरी को, ट्रैवल करने का ना। तो देख लो, ये फर्स्ट एसी का वॉशरूम, तो ये मैं इंडियन स्टाइल वाले में आया हूँ। बहुत ही साफ सुथरा है, कुछ बोलने का कलर भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। एक चीज मुझे ये काफी अच्छा लगा इनके वॉशरूम का, यहाँ पे देख लो जो कमोड है ना उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है। अगर आप आ रहे हो तो आपको लग रहा है पता नहीं इस पे कौन बैठा है कौन नहीं, तो यहाँ पे सेंसर है, देख लो। ये देखो प्लास्टिक चेंज हो गया, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एसी है बाबू भैया, फर्स्ट एसी। जी जी, तो ये देख लो, मैंने खुद देखा। तो देख लो, ये ऐसा एक लाइट वाला माहौल है, अभी असली माहौल में बनाता हूँ, रुको। ये भी देख लो, कुछ ऐसा माहौल है, ये परफेक्ट है यार। ये चीज बस फर्स्ट एसी में ही मिल सकता है, उसको बोलेंगे इसी तरह चिल करने के लिए। हाँ यार, गर्मी गर्मी लग रहा है बहुत। तो एक काम करते हैं, बाहर तो काफी डार्क है, अभी वैसा कोई स्टेशन भी नहीं आने वाला है। कोटा आएगा, अभी बाहर काफी डार्क है कोटा। तो चलो जब कुछ आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वैसे टाइम देख लो कितना हो रहा है, सुबह का 3:30 बज रहा है। मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था, नींद तो मेरे को आता ही नहीं है ट्रेन में जल्दी। जब तक नींद नहीं आ रहा है तब तक अपना काम निपटा लूं। और ये देखते ही देखते पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन। सामने में ही एक मालगाड़ी खड़ी है, ये तो दिखा देता अच्छे से आपको प्लेटफॉर्म। चलो कोई नहीं, जब ट्रेन यहाँ से निकलेगी तब मैं दिखा दूंगा। तो अभी एकदम एग्जैक्ट 3:30 हो रहा है और देख लो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ कोटा से। और ये सामने ट्रेन भी जा रहा है, ये कोई न्यू दिल्ली का ट्रेन है। और ये देखते ही देखते देखो सुबह का 6:50 हो गया, अभी मेरा नींद खुला है। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये मथुरा जंक्शन, मथुरा। और ये देख लो, सुबह उठते ही उठते हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। वेरी नाइस, मैं बोल सकता हूँ टाइम 7:26 हो रहा है, 8:30 हमारा डेस्टिनेशन भी आने वाला है। मतलब लास्ट चल रहा है ना, लग रहा है कभी भी आ जाएगा। और यहाँ पे दो, वही हमेशा की तरह मैंने दो टाइप का ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, एक नॉन वेज और एक वेज। कटलेट के ऑप्शन के अलावा वेज में एक और ऑप्शन था जो कि था पोहा का ऑप्शन। मैंने बोला भैया पोहा भी मिल जाएगा क्या, तो मिल गया। ऐसा पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, अब उनके पास एक्स्ट्रा होगा इसलिए दे दिए। लेकिन हाँ, आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, या तो कटलेट का या तो पोहा का। हाँ, इसके अलावा देख लो यहाँ पे एक बनाना है, ये मिल्क कॉर्नफ्लेक्स के लिए, एक ब्राउन ब्रेड, साथ ही एक हैंड सैनिटाइजर जो कि थर्ड एसी में जब मैं था तो खाना के साथ नहीं आ रहा था, इसको हम लोग लेकर आ रहे थे ना, ये खाने के साथ नहीं दे रहे थे। ये मेरे को लगता है हर क्लास में देना चाहिए, ये तो भाई साफ सफाई का बात है ना। बाकी एक जैम भी है, टोमेटो केचप भी है, वर्का का एक बटर भी है, तो बस यही सब चीजें। सेम नॉन वेज वाले में भी वही है, कुछ अलग नहीं है, बस वहाँ पे ऑमलेट है, गिना चुना कुछ फ्रेंच फ्राइज है और थोड़ा सा वो क्या वेजेस, बॉइल्ड वेजेस, और अलग से कुछ भी ऐसा नहीं है। पहला बात तो ये मुंबई दिल्ली तेजस राजधानी में बनेगा मेरा वर्ल्ड फेमस मोहित सैंडविच। और दूसरा ये बात, पोहा भी ट्राई करेंगे। और ये जो ट्रेन है ना, मैं बोल सकता हूँ ये बेस्ट ट्रेन है मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, जो तेजस राजधानी है। मैंने एक चीज देखा है, ये जो ट्रेन है कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ 130-140 पे तो चल ही रहा है। बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, साफ सफाई भी एक नंबर है। खाना तो इनका खैर मुझे, मैंने कल ही आपको बताया था थर्ड एसी में भी, थर्ड एसी का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड एसी फर्स्ट एसी का तो बात ही छोड़ दो, हालांकि सेकंड एसी थर्ड एसी का खाना सेम ही होता है, लेकिन हाँ फर्स्ट एसी का खाना मैक्सिमम टाइम पैट्री कार में बनता है। अब अगर राजधानी के साथ तेजस का नाम लग ही गया है तो खाना तो बढ़िया होगा ही, वैसे भी राजधानी का खाना अच्छा होता ही है, लेकिन तेजस राजधानी का बात ही अलग। वैसे कल जब मैं कोटा क्रॉस किया था उसके 10 या 15 मिनट मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो गया, मैं अपलोड में लगाकर सो गया। और सुबह एक ही बार मैं नींद खुला मथुरा जंक्शन में। अभी फ्रेश वगैरह होकर आने के बाद अभी आ गया अपना ब्रेकफास्ट, तो एक काम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। देखकर तो बढ़िया लग रहा, ज्यादा ज्यादा मत दीजिए भैया, थोड़ा सा। सबसे पहले अपने चाय ट्राई करते हैं, चाय में चीनी नहीं है, चीनी देना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन चाय बढ़िया है। मैं पोहा ट्राई करने के लिए काफी चाय का पता ना बोल रहा हूं। अगर कुछ वो कटलेट और ऑमलेट के अलावा कुछ अलग चीज होता है ना ब्रेकफास्ट में तो अच्छा लगता है। और पोहा अच्छा है भी, बहुत बढ़िया यार। एक पोहा नहीं हम लोगों ने अभी तक खाया, काफी अच्छा लगा। और अभी मेरे पास कटलेट है, ब्रेड है, तो आपको ही पता है क्या बनेगा यहाँ पे। हाँ जी सैंडविच, चलो अपना सैंडविच बनाते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि आपको ब्रेड ले लेना है, दो पीस। आप किसी भी क्लास में बना सकते हो, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी। बस ये है कि सेकंड एसी थर्ड एसी में व्हाइट ब्रेड देते हैं कभी कभी, अगर ब्राउन ब्रेड ऐसा है तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। बटर, ये बटर को आप निकालो, थोड़ा ब्रेड में अच्छे से मलो। ये बना के मैंने अच्छे से बटर इस पर, और ब्राउन ब्रेड का बात ही कुछ चला गया। ब्रेड भी एकदम फ्रेश है, देखो ब्रेड भी एकदम फ्रेश है। अगर फ्रेश नहीं रहेगा ऐसे करेंगे टूट जाएगा। जैसे तुम्हारा हम लोग क्या बनाया था, स्टू बनाया था तुम्हारा घर में रखा हुआ, बीच में एक तो ब्रेड है। बाप रे, वो अभी भी ब्रेड है, वो अभी भी रखा हुआ है, टोस्ट हो गया अभी। ये बटर लग गया इसके ऊपर, ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। केचप से इस पे लिख देंगे एम सुबह नाम। अब यहाँ पे एक रख देंगे कटलेट, फिर ये गिना चुना फ्रेंच फ्राइज, भाई क्रिस्पी है यार। फिर ये थोड़ा सा वेजेस, बस अब करना क्या है, खाना से ढक दो। ऑमलेट, ऑमलेट, अच्छा हाँ तो बोले ऑमलेट। और यहाँ पे पापा जाए तो उनसे थोड़ा ऑमलेट भी उधार मांग लिया मैंने। चलो ऑमलेट भी रख गया, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर फायदा है तो फायदा लो। तो ये अपना रेडी है वर्ल्ड फेमस मोहित सैंडविच। अब ये मैं वर्ल्ड फेमस इसको क्यों बोलता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रेन में सर सैंडविच ऐसा बनाने वाला कोई एक ही होगा, वर्ल्ड फेमस है ये। और दूसरा ये बात है कि मैं देखता हूँ आप में से काफी लोग मुझे टैग करते हो इंस्टाग्राम में सैंडविच बनाकर, और मैक्सिमम मैं स्टोरी को मेंशन भी करता हूँ। तो हाँ, कभी भी ऐसे ट्रेन में बनाते हो सैंडविच तो मुझे टैग करो इंस्टाग्राम में। बाय द वे यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, जरूर मैं मेंशन करूंगा। चलो अपना ट्राई करते हैं ये स्पेशल सैंडविच, मोहित स्पेशल सैंडविच। वो जो लास्ट मैंने सैंडविच बनाया था ना दुरंतो में, उनका कटलेट अच्छा नहीं था, मजा नहीं आता खाकर। उनका कटलेट भी बहुत बढ़िया है। और एक चीज मैंने नोटिस किया है, ये तेजस राजधानी का जो खाना है ना, एक नंबर है, मतलब कमाल का। ट्रेन तो कमाल का है ही, साफ सफाई भी एक नंबर, खाना भी एक नंबर। और ये देखो मेरा सैंडविच भी कमाल का बना, एक नंबर। बिग थम्स अप भाई, बिग थम्स अप। ये ऐसा टाइप का खाना मिले, और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फर्स्ट एसी में ऐसा कटलेट मिला है। मैंने आपको रात में वो थर्ड एसी का डिनर भी करके दिखाया, वो भी बहुत सही था। दाल तक अच्छा था भाई, दाल तक की सब तारीफ कर रहे थे। तो नो डाउट खाना इस ट्रेन का बहुत अच्छा है। अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:37। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। इसका यहाँ पे आने का टाइम था 8:30 का लगभग, 8:32 में, पर अभी 8:37 हो रहा है। ठीक है, कोई हैदराबाद का ट्रेन खड़ा है, तो हैदराबाद हो सके तो बहुत जल्द आपके वहाँ भी आ रहा है। चलो जी अपना डेस्टिनेशन आ गया। अरे भैया, ये अपना कोच था, देख लो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन कोच था अपना। रात में जबरदस्त नींद हुआ आपने, कुछ तो ऐसा छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा भी ना हो। मैं तो अपने वो साथ वाले पैसेंजर को ढूंढ रहा हूँ, वो रशियन भाई साहब को। नमस्कार, नमस्कार सर, सर, सर। तो बस अभी हम लोग स्टेशन में तो आ गए हैं, बाकी वो रशियन भाई नहीं मिला। मेरा नाम जब मैं उसको बोला प्रोनाउंस करने के लिए तो वो मोहित को बोल रहा था, मोहित को। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं रूम में चेक इन किया हूँ, ये वाला मैंने होटल लिया है, और आते ही देख लो एकदम रेडी हो गया हूँ मैं, इसलिए मैंने आते ही वीडियो स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले मैं फ्रेश हुआ उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं तो काफी लेट हो गया था, ऑलरेडी लेट हो चुका है। क्योंकि हमें अभी जाना है IRCTC के ऑफिस में, एक छोटा सा मीटिंग है मेरा जो कि CP में ही है, जहाँ पे अभी मेरा होटल है वहाँ से दिखा रहा है 2-3 किलोमीटर, नीचे से ऑटो ले लेंगे अपना। बाकी ये जो हमारा जर्नी था ना मुंबई से न्यू दिल्ली तक का, मुंबई न्यू दिल्ली तेजस राजधानी का, भाई कमाल का ट्रेन है ये। चाहे आप खाने की बात करो, चाहे आप टाइमिंग की बात करो, हर कुछ एकदम परफेक्ट। तेजस से मैं हर बार इंप्रेस होता हूँ, चाहे उनके टाइमिंग की बात करो या फिर फूड की बात करो, सब कुछ काफी बढ़िया था। होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ा यूनिक सा वीडियो था। आधा जर्नी मेरा थर्ड एसी में हुआ और आधा जर्नी मेरा फर्स्ट एसी में हुआ। थर्ड एसी में हमें काफी अच्छे अच्छे लोग मिले थे, उनमें से बस एक जन से ही मिल पाए हम लोग, नहीं तो हमारा प्लान था सभी से मिलने का, लेकिन हो नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, ये वीडियो को आप ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
भाई इंडियन रेलवे के बड़े बड़े स्टेशन की जो सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है वेटिंग एरियाज में बेशक चार्ज करते हैं ठीक है ना, लेकिन आपको जो है ना एक अच्छी स्पेस दे देते हैं और बहुत इकोनॉमिकल होता है। मतलब आपने जो ना बेसिक एक्सप्रेशन थी मैं कुछ गलत नहीं बोल गया क्या बात है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि एक क्योंकि नॉर्मली हम देखें तो इंडियन ट्रेन में जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इतना लंबा सफर होता है एक एक दो दो दिन। ऑनेस्टली बोलो मुझे समटाइम्स बहुत ज़्यादा ये हैक्टिक लगता है, लेकिन क्योंकि इंडियन ट्रेन में एक तो लोगों को आदत है इतना लंबा लंबा सफर करने की, और दूसरा ये कि जो सुविधाएं दी जाती हैं आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कोई शक नहीं। हाँ अभी हालांकि एसी थ्री टायर वो भी अगर देखो तो उस लिहाज से भी बिल्कुल वो क्लीन था, और जो खाना भी उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा टेस्ट में। यार वैसे जो क्या नाम लेते हैं फर्स्ट क्लास कूप था उसकी तो एक अपनी वाइब होती है ना, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे खुद जो है बहुत अच्छा लगता है। वैसे पहले इन्हें अच्छा नहीं था लगता, वैसे बिजनेस क्लास इन्हें अभी भी अच्छी नहीं लगती जो पाकिस्तान में जो बिजनेस क्लास है। हाँ रीजन है इतना क्लीन नहीं होता, लेकिन हाँ जो स्लीपर क्लास है वो इन्हें पसंद आई थी जिसपे हम गुजरावाला से लाहौर आए थे, तो मैं उसी की तो बात कर रही हूँ कि वो स्पेशियस था। लेकिन अगर मैं बात ना कि साफ सुथरा उसका वॉशरूम बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। तो मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा यू नो बॉदर फील होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगर स्पेशली वॉशरूम जो है वो गंदा हो, पता नहीं कि मुझे ना सबसे पहले तो ट्रेन में वॉशरूम यूज करना इतना पसंद ही नहीं है। यहाँ पे तो क्या नाम ट्रेन के वॉशरूम भी तो डांस करते रहते हैं ना साथ साथ, सफर जब हो तो फिर तो आपको वॉशरूम यूज करना पड़ता है। बट उसके साथ देखो तुम जब वो कूप में गए हैं और उस वहां पर जो उनको ब्लैंकेट मिले हैं और पिलो भी जो था यार वहाँ पे जो वॉशरूम तो ठीक है, वो तो कह रही वो बहुत साफ सुथरा था। लेकिन तुम ये देखो कि कितना साफ सुथरा था कि आप वो नीचे कारपेट बिछा हुआ है, लाइट अच्छी दी गई है, सो आपका खुद ब खुद अच्छा सफर करने का दिल करता है। जिस तरीके से आपको जो ब्रेकफास्ट है वो भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सर्व किया जाता है, सो मुझे लगता है कि मतलब मेरे लिए थोड़ी ये चीजें वाकई में मैटर करती हैं कि लाइक अगर आपका सफर जो है आपको अच्छा करना है ना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। इसमें तो कोई शक नहीं भाई कि आपको जो ना सफर अच्छा करने के लिए थोड़ी बल्कि बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो करनी पड़ती है, पूरी जो है एक डिटेल प्लान जो है वो आपको तैयार करना पड़ता है। लेकिन मुझे जो है ना फर्स्ट क्लास में ये चीज अच्छी लगी है कि भाई वॉशरूम में जो है ना आपके यानी कि मोस्टली क्या होता है कि ट्रेन के वॉशरूम में अगर कमोड लगे हो लोग बैठना प्रेफर नहीं करते, ठीक है वो जरा सा हाथ ढांके रखे, बिल्कुल बिल्कुल वो इंडियन वॉशरूम की तरह बिल्कुल होता है, लोग इस तरह बैठ जाते हैं क्योंकि भाई वो रहती है ना एक के जरासीम वगैरह ये वो कीटाणु नहीं करता। लेकिन भाई सेंसर जो लगाया हुआ कि प्लास्टिक बदल जाएगा वो मुझे बहुत यू नो अच्छा लगा कि भाई आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, आपको टेंशन जो है वो नहीं रहेगी। वैसे सॉरी मैं इंटरप्ट करी बट मुझे इंडियन वॉशरूम ज्यादा पसंद है। मुझे खुद जो है इंडियन स्टाइल टॉयलेट जो है वो ज्यादा पसंद है। मैं बल्कि क्या नाम लेते हैं जब हम टूर पे भी गए थे तो मेरा दिल था वहाँ पे जो वॉशरूम है वो भी इंडियन स्टाइल को, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो है कमोड आपको पता है बाहर के मुल्कों में ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं। कहीं पर भी हम लोगों ने इंडियन वॉशरूम नहीं वहाँ नहीं देखा, नहीं देखा किसी मॉल में नहीं देखा नहीं किसी कहीं पे भी नहीं किसी भी मॉल में कहीं पे भी जो है हमने इंडियन स्टाइल टॉयलेट जो है वो नहीं देखा। हाँ ये है कि भाई कंफर्टेबल बहुत होते हैं इंडियन स्टाइल टॉयलेट, आप जो है ना यू नो अपने आप को रिलैक्स करके इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली मैं ना आपके माइंड में ये नहीं आता कि कोई और बैठा हुआ नहीं कोई और बैठा हुआ एक अलग चीज है क्या नाम लेते चल खैर छोड़े इस बात को, हम वॉशरूम में ही अटक गए हैं। लेकिन पूरा जर्नी जो है वो बहुत अच्छा था, और मुझे फर्स्ट क्लास में जो है ना जो खाने की टेबल्स थी वो भी काफी अच्छी लगी, जो जिस पे प्रेजेंटेशन जो है ना वो टेबल्स जो है अच्छी थी। बेल जो उसके अंदर है कि अगर आपको किसी को बुलाना है कोई आपको सर्विस की जरूरत है तो आप बेल प्रेस करें और उसके बाद भी आपको सर्विस मिल जाएगी। और ट्रेन में सबसे बुरी चीज बाकी ये बहुत लगती है कि भाई अगर आपको गलती से विंडो वाली सीट मिल गई है और आगे से विंडो साफ ना हो तो वाकई बहुत बुरा लगता है क्योंकि आप बाहर के नजारे उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते। गुजरावाला गए थे तो मैंने भी कोशिश जब की थी कि विंडो से बाहर जो है हम लोग बना सके वीडियो, तो इसी तरीके से वो इतनी साफ नहीं थी। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि इंडिया में ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के बीच में जो आपको लैंडस्केप देखने को मिलते हैं ना मतलब चेंज होते रहते हैं, तो वो बड़ा आपको खूबसूरत लगता है।
हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है अगर लाहौर से गुजरांवाला तक जाएंगे ना तो आपको लिफाफे रूढ़ियाँ कट्टा मिट्टी इस तरह की चीजें, हाँ ये है कि आप लाहौर से लाला मूसा तक आपको सेम व्यू जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन लाला मूसा टाप सॉरी गुजरती है गुजरते वो हमारे यहाँ पे ये टपके तो वो टापती गुजरती है तो आगे नजारे जरा अच्छे शुरू हो जाते हैं वहाँ पर, स्पेशली जेहलम के पास पास जब जाना शुरू हो जाती है ना तो बहुत खूबसूरत फिर आपको लैंडस्केप्स मिलती है। बट ये कि बहुत मजा आया आज काफी टाइम के बाद हम लोगों ने ट्रेन ब्लॉग देखा। अच्छा इससे पहले हम लोगों ने तेजस भी देखी है राजधानी भी देखी, बट आई थिंक ये तेजस राजधानी ये नई चल रही है, मेरा ख्याल में मेरा ख्याल है कि पहले हमने शायद जो तेजस देखी थी उसमें उसमें चेयर्स थी, नहीं मैं ये नहीं बोला, हम लोगों ने तेजस एक्सप्रेस देखी थी। हाँ, वो तेजस राजधानी है इसमें सीट्स है ना, हाँ उसमें चेयर्स थी। राजधानी भी आई थिंक जो फास्टेस्ट ट्रेन है ना इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, कैपिटल टू कैपिटल चलती है। लेकिन भाई जो उसकी बात करूँ ना मैं बीच में के टिकट की प्राइस जो है मुझे वैसे इकोनॉमिकल लगी है, मतलब 3,000 आप बताइएगा मुझे। फूड भी है उन्होंने बोला तो 6,000 अगर दो लोगों पहले एक बंदे का, लेकिन वो 6,000 ज्यादा लगता है, लेकिन ये कि डिस्टेंस भी तो देखना है ना कि डिस्टेंस कितना ज्यादा मैटर करता है। खैर गाइस आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किसने इस ट्रेन में ट्रैवल किया है और ये क्या नई सर्विस जो मतलब दोनों ट्रेन की सर्विसेज को मर्ज करके चलाई गई है, ये भी जरूर हमें बताइएगा। और इसी साथ गुड बाय।